नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं अभय राठौर। माय यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड के बारे में। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड की बात कर रहे हैं तो उसका जो विशेष बात है उसको हम बताने वाले हैं आपको। देख, कई भाई लोगों को कमेंट आ रहा था और कई भाई लोग फ़ोन से भी कॉल करके पूछ रहे थे, उन भाई को मैं बता देता हूँ और जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं सूचित करता हूँ। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड में कई भाई लोग पूछते थे कि हम रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, पुलिस का भी तैयारी कर रहे हैं, पटवारी का भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हम फॉरेस्ट की फॉर्म के लिए अप्लाई फुल हो सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, आप कंफ्यूज हो मैं समझता हूँ, तभी आप मेरे को पूछे, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड की बात करने वाला है, छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड में होता क्या है, सबसे पहले तो आपका परसेंट थोड़ा हाई रहना चाहिए, क्योंकि जब परसेंट ज़्यादा रहेगा, कहने का मतलब 85%+ रहेगा, तभी आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा। देखिए पहला यही है, पहला पॉइंट यही है कि जिसका परसेंट अधिक से अधिक रहता है उनका ही एडमिट कार्ड आता है। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जनरल कैटेगरी के लिए 85+ रहना चाहिए और एसटीएससी के लिए 75+, और ओबीसी और जनरल का लगभग सेम रहता है। तो रही बात क्वेश्चन और आंसर की बात करने वाले हैं, तो क्वेश्चन आंसर में होता क्या है, हिंदी का भी क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश का भी क्वेश्चन रहेगा, सामान्य जागरूकता और सामान्य ज्ञान रीजनिंग सबको क्वेश्चन रहेगा। लेकिन कई भाई लोग का कमेंट था कि खास फॉरेस्ट लेवल का क्वेश्चन आएगा कि नहीं। तो फॉरेस्ट गार्ड की जो एग्ज़ाम है उसमें 10 से 15-20 नंबर का भूगोल से क्वेश्चन पूछता है। अब भूगोल में आपका फॉरेस्ट गार्ड का पूरा पर्वत, पहाड़, नदी, जैव विविधता, नेशनल पार्क, ये सब का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो भर्ती है छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड की, वो 2022 में आने की फुल संभावना है। और एक बात और है कि जो छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड होती है, इसमें होता क्या है दोस्तों, धन्यवाद।